अब तीन तरफ से घेरने की बात कही जा रही है और रूसी टैंक्स की तस्वीर जो है वो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान और कर्नल तेज टिक्कू। सबसे पहले जनरल कादियान, एक कमेंट में आपका चाहती हूँ, क्योंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यूएनएससी में वीटो कर दिया रशिया ने, भारत ने एब्सटेन किया, सबसे पहले तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। आज लड़ाई का तीसरा दिन है। रशिया की तरफ से क्लेम है कि उन्होंने 211 मिलिट्री इंस्टॉलेशन यूक्रेन की बर्बाद किए हैं और उन्होंने कहा कि वो किसी सिविलियन टारगेट को अपना निशाना नहीं बना रहे। हालांकि लड़ाई में कुछ कोलेटरल डैमेज तो होती है और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसको चारों तरफ से घेरने की प्लान है, वो आ गए हैं, उनके पश्चिम में भी आ गए हैं, साउथ में भी आ गए हैं, नॉर्थ तो पहले ही हैं, आए बेलारूस से आए हुए हैं। और जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने वीडियो लिंक में यूरोपियन लीडर्स को बताया है कि शायद ये आखिरी बार है जब उनको वो जिंदा देख रहे हैं और उनका अनुमान है कि आज रात को रशियंस कीव को पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। अगर घेरा डाला है तो ये तो आम बात है, पहले अनाउंसमेंट तो करते रहेंगे, वो पहले भी कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के वो हथियार डालें और उनकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। और रशिया का दावा भी है कि ये तो जो लड़ रहे हैं ये वो राइटिस्ट एलिमेंट है, रेगुलर सोल्जर नहीं है, और बिजली पानी काटेंगे, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी करेंगे और कैप्चर करेंगे, तो समय की बात है। अगर जेलेंस्की का अनुमान सही है तो आज रात को कैप्चर हो जाएगा। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की तो बनावट ही ऐसी कि उनके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं हर के पास वीटो पावर है, तो क्या होगा इसका तो पहले ही पता था, लेकिन भारत का रवैया मैं समझता हूँ बिल्कुल सही रहा है। हर देश अपनी कूटनीति अपने हक में चलाता है। आज के दिन भारत का लाभ इसी में है कि हम न्यूट्रल रहे हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका से, रशिया से, यूरोपियन यूनियन से, तीनों से अच्छे हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट ब्लिंकन से और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से रात को बात की थी। रशिया, अमेरिका ने भी कहा है कि वो भारत के जो विशेष रिश्ते हैं मॉस्को के साथ वो उनको समझते हैं। हर देश एक दूसरे की मजबूरी डिप्लोमेसी में समझता है। तो जहाँ तक आंकड़े आए हैं, भारत, चीन और यूएई ने एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। जल्दी से एक कमेंट कर्नल टिक्कू में आपका चाहूंगी। हमने आज अगर बात करें तो डे 3, रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया, रूस यूक्रेन युद्ध का आज डे 3, स्ट्रेटेजी वाइज आप इस पूरे डे को किस तरह अनफोल्ड होते हुए देखते हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट? नमस्कार अदिति जी। नमस्कार जनरल साहब ने ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में कमेंट किया है और एक्चुअली मुझे तो हैरानगी हो रही है कि कीव अभी तक रशियन सोल्जर्स के कब्जे में नहीं आया। इसकी शायद ये वजह है कि कीव एक बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 30 लाख लोग वहाँ रहते हैं और बिल्ट अप एरिया को कैप्चर करने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे लगता है लेकिन आज शाम तक शायद कीव जो है रशिया के कब्ज़े में आएगा। जहाँ तक देखिए ग्राउंड सिचुएशन के बारे में, तो आज शाम तक शायद रेजिस्टेंस जो है यूक्रेन की वो रशिया के बरखिलाफ़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर इंसर्जेंसी शुरू होगी उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन क्योंकि ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है रशिया की, तो शायद कुछ हद तक पीस शायद वापस आएगी आज शाम तक। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत को एक तलवार की धार पर चलना है ये बहुत मुश्किल है। रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, पुराने मित्र हैं वो, उन्होंने हमें कई बार बेल आउट किया यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दे पर, अभी भी हम 65% आर्मामेंट उनसे लेते हैं और हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं वो, हमारे सरहदों के पास है। जहाँ तक अमेरिका, ऑब्वियसली 11 देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के बरखिलाफ़ वोट किया है, तो मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर रशिया तो आइसोलेट हो जाएगा,
लेकिन ये बात तो पुतिन ने बिल्कुल अपनी प्लानिंग में ऑलरेडी फैक्टर इन की होगी, क्योंकि उनको मालूम था क्या होने वाला है जी, और वीटो उनके पास था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर्स, अगर वीटो करते हैं तो पराजित नहीं होता। लेकिन इंडिया का जो है बहुत बड़ा इसमें रोल है। मैं तो ये भी बोलता हूँ, इससे ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ही शायद रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स या नेटो के बीच में, वेस्टर्न पावर्स के बीच में एक मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि उनका विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रशिया के साथ भी ओपन है और अमेरिका के साथ भी ओपन है। मुझे लगता है इससे, हालांकि अमेरिका थोड़ा नाराज तो हो गया होगा, लेकिन अब एक देश है कम से कम दुनिया में, स्ट्रांग देश है जो मध्यस्थता कर सकता है, और इंडिया ही एक ऐसा देश है, क्योंकि उन्होंने रशिया को भी नाराज नहीं किया और अमेरिका को उनकी मजबूरियां मालूम है। तो मुझे लगता है इंडिया अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो उनके फायदे की बात है ये। ठीक, हमारे साथ सीनियर पत्रकार रोहित भी हैं। रोहित, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूएन में, जहां पर यूएनएससी में जहां ये वोट हुआ है, वहां पर किस तरह की सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि रशिया ने जाहिर तौर पर वीटो का इस्तेमाल किया, भारत, चीन और यूएई ने अब्सटेन किया, और उसके बाद एक वोट जो था वो रशिया के पक्ष में पड़ा। अब कुल मिलाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की जाए तो वो कहां खड़े हैं इस पूरे विवाद पर या इस युद्ध पर? देखिए, यूएनएससी में जो आज हुआ वो प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस हुआ अदिति। बिल्कुल भी किसी को ये, हर किसी को पूरा विश्वास था कि रशिया अपना वीटो वोट का इस्तेमाल करेगा, और उसने उसका इस्तेमाल किया। जहां तक भारत का जो सवाल है, देखिए भारत का, जैसे अभी मैं सुन रहा था जनरल साहब को, वो कह रहे थे कि इंडिया हैज टू वॉक अ टाइट रोप, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया की हमेशा से बात हो रही है कि हमारी जो एक तरह से हम किसी की जो साइड पिक नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, और वो वही बात थी। दोपहर में स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि उनकी होप है, उनकी आशा है कि शायद भारत वोट करे अगेंस्ट रशिया, लेकिन आई थिंक इंडिया ने अपनी जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसके तहत, और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, जो आप अगर हमारे एम्बेसडर का आप अगर उस स्पीच देखेंगे, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, उसमें उन्होंने सिर्फ साफ कहा कि इसे डिप्लोमेटिकली इसे रिजॉल्व करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो। तो जहां तक अगर वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुआ, कोई नाराज नहीं है, कोई अमेरिका बिल्कुल भी नाराज नहीं है भारत से, उनको हमारी जो हमारे इंटेंशंस थे वो पता थे, और उसी के अलॉन्ग जो है वोटिंग हुई यूएनएससी में। रोहित आपरी हमारे साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि रूस ने अपनी हमलावर कार्रवाई का समर्थन किया। यूएनएससी की चर्चा में भाग लेते हुए भारत की तरफ से साफ किया गया कि यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का भारत समर्थन करता है। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। यूएन के दखल से रुकेगा रूस? यूएन में रूस की घेराबंदी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका और नेटो देश लगातार रूस के खिलाफ नए नए प्रतिबंधों की घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं यूएन में भी अमेरिका ने रूस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा था, जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने समेत कई अन्य मुद्दे भी शामिल थे। आज सुबह करीब 4 बजे यूएनएससी में इस प्रस्ताव पर पहले चर्चा हुई, फिर मतदान हुआ। यूएनएससी में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए इस निंदा प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्य देशों ने वोट किया, और रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, तो वहीं भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वोटिंग से पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, जिसमें अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। Russia chose to violate Ukraine's sovereignty, to violate international law, to violate the UN charter. We and Albania, in consultation with our allies and partners, have proposed this draft resolution holding Russia to account for its aggression against Ukraine. This resolution condemns Russia's aggression. साथ ही अमेरिका ने कहा, रूस के इस हमले ने मानवता को भी शर्मसार किया है। Let us never forget that this is a war of choice, Russia's choice.
Russia chose to invade its neighbor. We have seen heart-wrenching images of fathers sobbing as they say goodbye to their young children and sending their families away, as they send their families away to safety while they stay behind to defend their country. तो वहीं यूएनएससी की चर्चा में भाग लेते हुए भारत ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा की बात भी की। डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी वाज गिवन अप। वी मस्ट रिटर्न टू इट। वी आर ऑल्सो डीपली कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, including a large number of Indian students in Ukraine. अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाया है और रूस को स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से बाहर करने का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। जो ताजा तस्वीरें हैं वो बिजी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है और एक्सपर्ट्स के माध्यम से सटीक विश्लेषण पहुंचाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि इसमें रूसी टैंक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये लेटर जेड आप देख पा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी कि ये टैंक रशियन फोर्सेस को बिलोंग करता है, रशियन फोर्सेस का है। इसके अलावा कीव में लड़ाई तेज होते हुए हमारे साथ जनरल कादियान है। जनरल कादियान, आज के लिहाज से, डे थ्री के लिहाज से बात की जाए तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो बार बार ये दावा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कीव फॉल हो सकता है, मतलब एक रशिया जो है वो पूरे तरीके से कीव पर कब्जा कर सकता है। आप यूक्रेन के रेजिस्टेंस को कितना लंबा देख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की वीडियो वॉर भी चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी देखने को मिल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखने को मिल रहा है और मिलिट्री वॉर तो चल ही रही है। देखिए, इंफॉर्मेशन वारफेयर, वीडियो वारफेयर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये तो सब लड़ाई का हिस्सा है। कल भी बहुत उल्टी सीधी खबर आई थी। सबसे पहले खबर आई कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, फिर खबर आई कि पुतिन ने कहा कि नहीं, हम जब भी मिलेंगे जब कामयाबी हासिल हो जाएगी विजय के बाद। फिर तीसरी खबर आई कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा मिन्स्क में, जो कि यूक्रेनियन से मिलेंगे। तो ये खबरें तो आती रहती हैं। अभी ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सब ज़रूरी नहीं कि सच हों। ये तो साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। पश्चिमी देश तो चाहेंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि लड़ाई लंबी लगे और कीव कैपिचुलेट नहीं करे, क्योंकि ये उनके हक में है कि रशिया की आर्मी को वहाँ पर लगा के रखा जाए, एक किस्म के क्वैक मायर हो जाए, ताकि रशिया को इकोनॉमिक थकावट आए, जैसे कि अफगानिस्तान में आई थी उनको। अब किस हद तक वो कामयाब होंगे वो समझना मुश्किल है। जी जी। प्रतिबंध तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रतिबंध तो बाइडेन कई दिन से कह रहे थे और पुतिन के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कुछ हद तक उन्होंने उनका जो इफेक्ट था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। जब वो 4 फरवरी को बीजिंग गए थे विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो उन्होंने चाइना के साथ एक 30 साल का गैस सप्लाई करने का समझौता एक दस्तखत किए थे, जिसकी पेमेंट यूरोज में होगी और जो साइबेरियन पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। कर्नल टिको, जनरल से मैं वापस आपको फ्लो दूंगी सर। कर्नल टिको, यहाँ पर अगर रशिया के लिहाज से बात की जाए, कल हमने इस तरह के स्टेटमेंट्स भी देखे पुतिन के हवाले से, रशियन प्रेसिडेंट के हवाले से कहा गया कि जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो कंट्रोल ले ले और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे साइडलाइन कर दिया जाए। इस तरह के स्टेटमेंट्स को क्रेमलिन से आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये युद्ध दो तीन दिन और आगे बढ़ेगा, आगे दिन चलता रहेगा, तो वो रशिया के लिए ठीक नहीं होगा। इस युद्ध को एकदम से ख़त्म करना चाहिए। जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ख्याल से मेजर ऑब्जेक्टिव तो कीव को कैप्चर करने का है। अगर वो आज नहीं होगा और युद्ध ड्रैग हो जाएगा अगले दो तीन दिन के लिए, तो वो रशिया के लिए घातक साबित होगा। क्योंकि जितना देर आप वॉर को ड्रैग करेंगे, इंटरनेशनल ओपिनियन आपके बरखिलाफ जाएगी। नॉट ओनली इंटरनेशनल ओपिनियन, उनके अपने देश में जॉर्जिया में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, मॉस्को में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और आप जितना इसको ड्रैग करोगे उतना पुतिन की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर तो खराब हो ही चुकी है, इनसाइड रशिया खराब हो जाएगी और वोट पुतिन के लिए ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं मानता हूं कि सैंक्शन से रशिया को ज्यादा फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप रशियन हिस्ट्री देखेंगे, जार के टाइम में, रेवोल्यूशन के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उनमें जबरदस्त रेजिलियंस है। उन्होंने बहुत सफर किया है और सफर करने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने जर्मनी को पूरा यूक्रेन में भी थे वो, वहां से मॉस्को से पूरा वापस करके बर्लिन तक उनको भगा दिया। तो इन सैंक्शंस का इमीडिएट फर्क तो मुझे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर जंग ड्रैग हो जाता है तो वो रशिया के लिए घातक साबित पैदा होगा, और पुतिन की अपनी सिचुएशन भी जो है वो बहुत खराब हो जाएगी रशिया के अंदर भी। दूसरी बात, आप उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री को टेक ओवर करना चाहिए। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की तो वैसे भी इनएफेक्टिव बन जाएंगे, जब कीव पर हमला होगा ज़ेलेंस्की इनएफेक्टिव हो जाएंगे, और रशिया तो उनका पहला ही ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अपने समर्थक वाला वो किसी को भी चुनेंगे। वो उन्होंने शायद किसी को एयरमार्क भी कर लिया होगा ऑलरेडी पोलिटिकल फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री का इशारा किया है। तो मुझे लगता है ये सब पोलिटिकल कार्रवाई तो तभी हो सकती है जब वहां पर युद्ध विराम होगा, जंग खत्म होगा, कीव रशिया के नीचे आ जाएगा, तो ये चीजें हमें एक दो दिन में पता चलेंगी। रोहित, इन शॉर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने एक्चुअली ऐलान कर दिया है अदिति, उन्होंने सैंक्शंस जो है वो लगाए हैं। बहुत रेयर होता है कि जो सिटिंग कोई वर्ल्ड लीडर हो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो अमेरिका ने वो तो कर ही दिया है। उसके अलावा अमेरिका ने ट्राई किया यूनाइटेड यूएनएससी में, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि वो तैयार है ज़ेलेंस्की को वहां से निकालने के लिए, और ये अपने आप में बहुत दिखा रहा है कि किस दिशा में ये जो वॉर है ये जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम तैयार हैं, जब भी वो कहें हम उन्हें निकाल सकते हैं, उन्हें वहां नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन ज़ेलेंस्की खुद बने हुए हैं यूक्रेन में। तो और आज जो दूसरी बात थी वो ये है कि यहाँ की एजेंसीज कह रही है कि हो सकता है, तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो ज़ेलेंस्की को वहां से निकालने के लिए तैयार है, तो क्या ज़ेलेंस्की का ये दावा जो वो कल से लगातार कर रहे हैं कि रशिया की टारगेट नंबर वन वो खुद हैं और टारगेट नंबर टू उनकी फैमिली है, उस दावे में सच्चाई है? जी बिल्कुल, 100% सच्चाई है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा था दीदी, वो ये थी कि यहाँ पे ऐसा मानना है कि अगले 10 से 12 घंटे में कीव जो है उस पर बहुत जबरदस्त फाइटिंग होगी, और हो सकता है दैट कीव माइट फॉल टुनाइट, मतलब अमेरिका की रात में, हमारे अगले 10 से 12 घंटे में। तो ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाएगा तो शायद ये वॉर जो है टूवर्ड्स थोड़े डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की तरफ जा पाए। आप ये आप बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उन्हें ये लगता है कि कीव का फॉल हो सकता है अगले 10 से 12 घंटे में। अपने आप में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। यूएस एजेंसीज अगर इस तरह की बात कह रही हैं, क्योंकि यूएस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले से ही दावा करती रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, इस संभावित हमले को लेकर उनके द्वारा कई बार ये दावे किए गए थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.